आप सब गवाह हैं कि हमारा बड़ा सम्मान हो रहा था बहुत देर से। संचालक जी मेरे सम्मान के सिवा कुछ कर ही नहीं रहे थे। आपको पता ही है इस उम्र में तो ऐसा ही सम्मान होता है। वो मुझे आसाराम बता रहे थे, आपने सुना सर? वो मुझे आसाराम बता रहे थे, तो अगर मैं आसाराम हूं तो तुम नारायण साईं हो। बहुत अच्छे, क्या बात है। देखो आप ठीक समझ रहे हैं बिल्कुल, इसे कहते होली। ये नारायण साईं तो वो जगत गुरु रामपाल है। जगत गुरु राम ठीक समझ रहे हैं आप। उसके आगे इच्छाधारी बाबा। इच्छाधारी बाबा उसके आगे छोटी राधे माँ। छोटी राधे, छोटी राधे माँ। और आगे बढ़ते हैं गोपाल कंडा और चंद्र मोहन। चंद्र मोहन होली है, बुरा न मानो, होली है। उसके बाद एनडी तिवारी। उसके बाद ठीक है एनडी तिवारी जी, आप देख लो इतनी तालियों से नहीं काम चलता। एनडी तिवारी ने जो काम किया है वो इतनी तालियों का नहीं किया है, इस उम्र में भी और इतना बड़ा काम। ये है बुजुर्गों का चमत्कार। सर मैं ठीक कर रहा हूँ? और इधर सुमन जी चमत्कार कर रहे हैं, मैं खुद देख के आया हूँ। मुझे लगा देख के ऐसा मन हुआ कि यहीं मर जाऊं, अभी मर जाऊं। अरे वाह, इतनी सुंदर बना दिया शमशान को, मंदिर बना रहे हैं शमशान को, कि जो साथ जाए उनका भी मन कराए मरने का। ये सुमन भाई का काम है, ये कमाल है, ये चमत्कारिक लोग हैं। तीन तीन संस्थाओं ने मिलकर ये होली मिलन समारोह किया। ये कुछ और भी कर सकते थे, पर हास्य कवि सम्मेलन ये आसान काम नहीं है। रुलाने का काम तमाम धार्मिक लोग दुनिया में कर रहे हैं, रुलाने का काम, क्योंकि वो आसान काम है। रुलाना बहुत आसान काम है, पहले मैं यही काम करता था। नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं करेक्शन करेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं, बहुत धार्मिक लोग कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला देता हूं कि आदमी एक बम बनाता है, एक बम फोड़ता है, पूरी दुनिया को रुलाता है। क्या खर्च आता है बम बनाने में? लेकिन खुशी देने के लिए, किसी के चेहरे पर खुशी देने के लिए ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर, ये समिति ने मिलकर, एक एक सज्जन भाई ने मिलकर ये उद्यम किया। होली के अवसर पर कम से कम मेरे मित्र बंधुओं के हरेक के चेहरे पर खुशी आए। ये काम बड़ा काम है, क्योंकि खुशी देने के लिए ये जरा महंगा सौदा है कि इतने महंगे सोफे, इतने महंगे लोग, इतने महंगे कालीन और इतने महंगे कवि। नहीं नहीं सॉरी 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 नहीं सॉरी करेक्शन 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 हाँ, इतने महंगे कवि और इतने सस्ते में, इतने सस्ते में बजाओ। ये है दिमाग का काम। ताली बजाने की टेक्निक बताता हूँ आपको। आप शुरू करेंगे तो आपको ही देख रहे हैं सब लोग। हाँ, जब ताली बजाने का हो तो कवि बताते हैं ये फार्मूला कि ये हाथ बायां हाथ आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ या फिर दायां आगे बढ़ाओ। इस बायां हाथ में बहनों के लिए है ये फार्मूला। कहां कहां बैठी बहन जी? आपके लिए, बहनों के लिए ये फार्मूला विशेष। इस बायां हाथ में पति की तस्वीर देखो और ये हाथ, इस हाथ पे मारो, बजाओ, बजेगी। भाइयों के लिए नहीं है? नहीं सर, आप करेक्शन करेंगे, भाइयों के लिए दूसरा है।
सर आपने गलत जगह बजाई, आप ठीक करें, करेक्शन करेंगे। भाइयों के लिए ये हाथ आगे बढ़ाएं, फिर दायां हाथ आगे बढ़ाएं। इस हाथ की हथेली में बिचौलिया की तस्वीर देखें। आप बजाओ, आप ठीक बज रही है, बस यही सोच के बजाना है। सर ठीक बजाया आपने, आप चार लाइन सुनना। मैं जरा धार्मिक आदमी हूं, आपको पता ही है। अभी आक्षेप कर रहे थे वो, मुझे आसाराम बता रहे थे, पर आप सब गवाह हैं मिलोट, आसाराम में अगर हूं तो ये बलजीत कौर मेरे पास खुद आके बैठी है। बोलो, मैंने बुलाया था क्या? दूसरी जगह जगह नहीं थी क्या? मेरे पास क्यों बैठी है? ये सुनना सर, ये इस उम्र का, ये सफेद बालों का चमत्कार होता है। उसे विश्वास था कि अगर महिला सुरक्षित रह सकती है तो आसाराम के पास रह सकती है। देखो, इच्छाधारी बाबा के पास क्यों नहीं बैठी? वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। नारायण साईं के पास कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास पूरी सुरक्षा है, इसलिए। और देखो, संगति का प्रभाव होता है। ये कविता ये पढ़ रही थी, ऊर्जा मुझे मिल रही थी। वो जब भी पीछे देखती थी तो मुझे ही देखती थी। मेरे सम्मान में ही इन्होंने कविता कही है। लो, मुझे भी याद आ गया अपने वो दिन। आज होली का त्योहार है सर, आपको भी याद दिलाता हूं, आगे होंगे वो दिन। एक चार लाइन सुनिए। इश्क में नाकाम हो सायर हुए, सूरमा थे हम बड़े कायर हुए। इश्क में नाकाम हो शायर हुए, इश्क में नाकाम तभी शायर बनता है। सर एक क्वालिटी है इन लोगों के पास, इश्क में नाकाम हो शायर हुए, सूरमा थे हम बड़े कायर हुए। क्या बात है, वाह। और वो किसी वाहन की इष्टपनी बनी, और हम लदे ट्रक के फटे टायर हुए। अपनी स्थिति मुझे याद आ गई, इसलिए सर चार लाइन सुनिए। सर कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी निपटा के आओ काम, हो सके तो यहीं इधर उधर जो भी कर सकते हो करो। देखो, हाँ सुनिए सर चार लाइन। सुमन जी आदेश, चार लाइन। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, क्यों? क्योंकि 33 करोड़ भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं। कोई चैनल खोलो, हर चैनल पर एक भगवान विराजमान, मैंने खुद देखा है। एक भगवान सिंहासन पर विराजमान, एक ऐसी लड़की, ये नहीं सॉरी, एक लड़की आती है और हाथ जोड़कर निवेदन करती है, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता, बाबा जी मैं क्या करूं? भगवान वाच, ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है? बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है? क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया? लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया है। बस इसीलिए रुकी हुई है कृपा। अब आपकी समझ में आई होगी। तथाकथित भगवान निर्मल बाबा, ब्रांडेड चीजों से, कच्छों से कृपा आ रही है, गोलगप्पे से कृपा आ रही है, काले पर्स से कृपा आ रही है, इसलिए कहना पड़ता है कुछ भगवान वैसे तथाकथित भगवान, कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे, कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए।
सर पॉइंट नोट किया जाए, कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए, कुछ भगवान बॉलीवुड में चले गए। आप बोलो बहन जी, आ गई समझ में? कुछ भगवान पिछले दिनों बॉलीवुड में चले गए। मैं दिखाता हूं कि डायरेक्टर खुद, प्रोड्यूसर खुद, हीरो खुद, गायक खुद और दर्शक भी खुद। आप तो बजाओ। दर्शक भी खुद, सच्चा सौदा। इसलिए मुझे उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में ये लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को, तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। ये है असली धर्म, और ये धर्म का काम तीनों संस्थाओं ने मिलकर किया है। रुलाने में कोई खर्च नहीं लगता है, पर खुशी देने में खर्च लगता है। रुलाने के लिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, वो बताया था यहाँ पर हमारे सर ने बताया था कि कुछ फार्मूले हैं रुलाने के लिए, आप प्रयोग करके देखें, इससे ज्यादा मजा आएगा। कि दो लाल मिर्च सुबह सुबह अपने चूल्हे में झोंक दो और खुद मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। जब तक लौट के आओगे सारा मोहल्ला रोता ही मिलेगा। दो लाल मिर्च कितना काम करेंगी, रुलाने में क्या खर्च आया। और इससे भी बेस्ट फार्मूला कि रात को 10-11 बजे चार कोरे कागजों में एक एक चम्मच लाल वाली मसूर की दाल रखो, एक एक रुपया रख दो। जब सब सो जाएं, चार अच्छे घरों के सामने रख के आ जाओ, तुम भी सो जाओ, जो भी सुबह उठेगा रोता ही मिलेगा। मेरे मोहल्ला, प्रोफेसर कॉलोनी, डॉक्टर लोग, किंतु चार बुढ़िया सुबह सुबह मेरे घर आई और आकर मुझे निवेदन किया, खिचड़ी महाराज हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। मैंने कहा क्या कर गया कोई, हमें दिखाओ, मौका मुआयना कराओ। हम गए, हमने जाके देखा, हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन चारों महिलाओं ने एक स्वर में आवाज दी, तू ही उठा ले, तू ही बना ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मर। बंधुओं, ये था दिमाग का काम। मैंने चारों घरों की उठा ली, क्यों? क्योंकि मैं ही तो रख के आया था। लो फिर मैं इन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। नहीं नहीं, सॉरी, करेक्शन करेंगे। अब देखिए उन्हें और सुनिए हमें, कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। पुलिस कस्टडी में अभी कवि सम्मेलन चल रहा है, तो देखिए सर। अच्छा, वो शामिल हो गया, वो तो दिक्कत कुछ है नहीं, वो खुद ही हंस रहे हैं। तो समझो आप कर्फ्यू में ढील है सर। सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है, कोई सीधा कबूतर सा, कोई सीधा कबूतर सा, तो कोई बाज होता है, नहीं नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे, ये नहीं सर, कोई सीधा कबूतर सा, तो कोई बाज होता है, और कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। सर आपने अब भी नहीं बजाई। देखो, ताली बजाने वाली बात थी, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हर बार आप बजाते रहेंगे तो मुझे पता रहेगा कि आप जीवित हैं।
थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ सर, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि सुनिए सर, आप तो कभी आ जाओ, आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि किसी ने जेल में रहकर भी लिखी हैं किताबें, किसी ने जेल में रहकर भी लिखी हैं किताबें, किसी ने महल में रहकर भी खुदकुशी कर ली। वाह वाह, ये ताली बजाने वाली बात थी लेकिन मेरी नहीं थी इसलिए कोई फायदा नहीं, लेकिन बात अच्छी थी। मैं इसे यूं भी समझता हूं कि जिंदगी का फलसफा समझा रहा है, एक परिंदा कैद में भी गा रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो समय होली का है, मुखर हो जाइए, पूरा मुंह खोल के हंसिए ऐसे। एक बात का ध्यान रखें बहन जी, ऐसे नहीं, देखो बहन मेरी क्या ये बहने करती है ऐसे, जब भी हंसेंगी मुंह पे ढक्कन लगा लेती हैं। देखो आप इनको देखो ऐसे। मैं ये कहता हूं कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, पर अगर कैसेट ओरिजिनल है और गिरने का कोई खतरा नहीं तो पूरा मुंह खोल के हंसो, मुखर हो जाओ, उल्लास में आ जाओ। क्यों? मेरी अच्छी कविताएं कहां सौभाग्य मिलता है किसी को सुनने का? मुझे लोग जानना चाहते हैं खिचड़ी यार तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो बताना पड़ता है कि हम दसवीं क्लास में तीन तीन बार नहीं फेल नहीं हुए थे, करेक्शन करना पड़ेगा, फेल होना एक सामान्य घटना है, फेल तो कोई भी हो जाए, नहीं ये स्पेशल केस था, जैसे सर स्पेशल, ये स्पेशल केस था। हम तीन तीन बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए, उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे। प्रिंसिपल सर ने दोनों हाथ जोड़े थे। हाथ भी दो तरह से जोड़े जाते हैं, एक तो यूं जोड़े जाते हैं, जैन धर्म में यूं जोड़े जाते हैं, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे, नहीं ऐसे भी नहीं जोड़े थे, सर आप ठीक समझ रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया ऐसे हाथ जोड़े और ऐसे निवेदन किया, हे महाप्रभु आप हम पर दया करो, हम क्या करते, उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं आखिर नंबर कितने आते थे, तो मैं आपको बता दूं, नंबर मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे, रिजल्ट आउट हुआ था, मेरी मम्मी ने आके मेरे पापा से कहा था सुनो अखबार छोड़ो, देखो वो पड़ोसन का बच्चा 99% नंबर लेके आया है। मेरे पापा अखबार पढ़ते रहे, उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं, तीसरी बार उन्होंने कहा सुनो पड़ोसन का बच्चा 99% लेके आया है। मेरे पापा ने तीन बार के बाद कहा वो एक नंबर का क्या हुआ, तब मेरी मम्मी ने कहा था वो हमारा बेटा लेके आया। इसलिए लोग जानना चाहते हैं आखिर नंबर कितने आते थे, तो बताना पड़ता है कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता था। आपको मालूम सर ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता है? नहीं मालूम, कितने लाख पढ़े लिखे हो दिल्ली में आप रहते हो, नहीं मालूम ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता है, तो बताना पड़ता है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे, और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी
वो उनकी समझ के पार होते थे। हमें आज तक याद है, संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेन्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। मैंने लिखा, ये था दिमाग का काम। सर्वे भवन्तु सुखिना जब सर्वे किया गया, हंसने वाली बात नहीं है सर। इसी श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वे, तो सर्वे माने सर्वे, और क्या होता? मैंने वही लिखा, जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन तुरिसी के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। ठीक ठीक लिखा सर, आप बताओ मैंने ठीक लिखा? बिल्कुल ठीक लिखा जी, हमें गर्व है आपकी इस बात पे जी। मिलोड़, ये पॉइंट नोट किया जाए कि अतीश्वर जी कह रहे हैं मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। इससे सिद्ध होता है ये भी मेरी तरह संस्कृत पढ़े। सर्वे संतु निरामया, सारे संत निरे माया में लिप्त थे। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेन्, उन बिचारों की माँ क्या करती जब उनके भाग्य में ही दुख था। ठीक लिखा सर मैंने? ये दिमाग का काम था। दिमाग का काम था। अगला प्रश्न संस्कृत का पेपर, और अगला प्रश्न विद्याधनम। सर विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। मैंने लिखा, विद्या के लिए जो भी धन आता है वो सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। नहीं इनके नहीं सर, करेक्शन करेंगे। प्रधान जी है नहीं, प्रधान जी सॉरी, वो मैं दूसरे प्रधानों की बात कर रहा था, उनके खाते में चला जाता है। अगला प्रश्न आया साइंस का पेपर, और प्रश्न आया था प्रदूषण किसे कहते हैं? सर प्रदूषण बहुत है दिल्ली में, किसे कहते हैं? मैंने बताया था प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। बहुत अच्छे। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, ये प्रदूषण भाग निकला था। नहीं सर ये नहीं, नहीं ये नहीं सर, वो प्रदूषण काला होता है ना, भाग निकला था। नहीं ये नहीं, करेक्शन करेंगे। प्रदूषण तभी से पेड़ों पर रहता है, ये पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। प्रश्न आया था हिंदी का पेपर, और प्रश्न आया था रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने लिखा था, जब भगवान श्री राम आठवीं पास करके नौवीं में आए थे तभी से राम मनाई जाती है। साइंस का पेपर, और प्रश्न आया था बम क्यों फटता है? मैंने लिखा, सर अगर वो बमी होती तो फटती। वो इसीलिए फटता है क्योंकि वो बम होता है, बम होता है। प्रश्न आया था हम पानी क्यों पीते हैं? मैंने लिखा, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते इसलिए पीना पड़ता है। यह है दिमाग का काम। दिमाग का काम। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था। सर आए हैं हमारे बीच, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। सर मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको समर्पित करता हूं ये कि प्रश्न आया था इतिहास का पेपर, और प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते
तो भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते थे युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं। तब सर मैंने लिखा, और अगर मैंने ठीक लिखा हो तो सर आप भी ताली बजा के बताना। मैंने लिखा, महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। सही लिखा। ये है दिमाग का काम। और सर हमने कारण भी लिखा कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के पांच पांच लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में ही फैसला कर दिए होते। महाभारत सर मैं ठीक कर रहा हूं? सर आपको कैसे पता? मिलोड ये पॉइंट नोट किया जाए, बुरा न मानो होली है सर। हाँ जी। हाँ सर मैं बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ आपकी वजह से, बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले कवि को सुनवाना है ना। हाँ आप देखिए, एक धार्मिक कविता मैं आपके नजर कर रहा हूँ सर, बहुत धार्मिक कविता, मैं धार्मिक हूँ ही, देखते ही आपको लग रहा होगा राशा आपने बना दिया। अब देखिए सर, मुझे जाना था दिल्ली से मेरठ, मेरी बस यात्रा, धार्मिक कविता है। और ये उन महान महानुभावों के सम्मान में ये कविता, जिन्होंने हमें 33 करोड़ से 1 अरब 33 करोड़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये उनके सम्मान में सर। आप समझ रहे हैं? ठीक समझ रहे हैं। सुनिए, बस यात्रा में दिल्ली से मेरठ के लिए बस अड्डे, एक बस में चढ़ा आगे बढ़ा, पूरी बस फुल, 3 सवारी वाली एक सीट खाली, उस पर शीशे के पास जाके बैठ गए हम, इधर 2 सीट खाली, बस आगे बढ़ी। अगले स्टॉपेज बहुत धार्मिक क्षेत्र है, सीलमपुर दिल्ली का। हाँ जो लोग गए होंगे समझते होंगे सर, सीलमपुर से एक महिला लगभग 5-6 बच्चों के साथ, सर लगभग इसलिए कहना पड़ता है, एक बच्चा गोद में था, 4 बच्चे उंगली उंगलियों में ही थे और एक शायद 4 और 1 5, एक बच्चा अंडर प्रोसेस था, इसलिए लगभग कहना पड़ता है। देखो लगभग 5-6 बच्चों के साथ पकड़ हाथ में हाथ उसी बस में चढ़ी, आगे बढ़ी, उधर बैठ गई वो, बीच में धर लिए बच्चे। देखो धर लिए इसलिए कहना पड़ता था कि सीट थी 1, बच्चे 4, बैठाए थोड़ी जा सकते थे, धरे ही जा सकते थे, सब धरे गए, कुछ कुछ उसके ऊपर, कुछ कुछ मेरे ऊपर। वो जो मेरे वाला था, नहीं 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 राजेश जी, नहीं, करेक्शन करेंगे, ये हमेशा गलत समझते हैं, करेक्शन, मेरा तो उनमें एक भी नहीं था। नहीं नहीं सीन देखो सर, दोबारा सीन देखें, सारे के सारे बच्चे सर, सारे के सारे बच्चे एक से एक अच्छे, फटी पुरानी शर्ट विदाउट कच्चे, नेचुरल सीन था, सारे के सारे बच्चे एक से एक अच्छे, फटी पुरानी शर्ट विदाउट कच्चे। वो जो मेरे वाला था, नहीं सॉरी नहीं सर, वो जो मेरे हिस्से में आया था, नहीं सॉरी अभी फिर करेक्शन करेंगे, हिस्सा अभी हुआ ही कहाँ, नहीं वो जो मेरी तरफ बैठा था वो तो इतना होनहार, इतना होनहार जैसे कोई सरदार बार बार तलवार से खींचता था, कभी इस हाथ से और कभी इस हाथ से, समझ रहे हो सर? ये भाई साहब समझे ठीक,
लग रहा भाई साहब आपने काफी तलवारें खींची हैं। देखो बार बार तलवार सीखता था, कभी इस हाथ से और कभी इस हाथ से, खींचता तो खींचता, हमें कोई तकलीफ न होती, मगर वो तो हमारी कोर्ट की शोभा बढ़ाने लगा। तब हमें ख्याल आने लगा, अपकार नहीं उपकार करो, संहार नहीं श्रृंगार करो, और कुछ करो न करो, इस बल को उठा के ऊपर धरो। देखो नहीं करेक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर हो गया, जैसे बन पड़े अपनी इज्जत बचाओ, इस बालक को थोड़ा बहुत ऊपर उठाओ। हमने उसके दोनों हाथ पकड़े, आगे से तो पकड़ने लायक ही नहीं थे, इसलिए कोनियों से जकड़े, कोनियों से जकड़ कर ऊपर उठाया, अपनी गोद में बिठाया। तभी कमबख्त कंडक्टर टिकट बनाने आया और मुझ पर गुर्राया, बोला रे मुल्ला जी रे इनमें से दो चार घर छोड़ आते तो हम एक आध सवारी और न बिठाते। पीछे से एक बूढ़ा बोला, सारी फौज को लेकर चढ़ा है, वो बड़ौत का था, सारी फौज को लेकर चढ़ा है, सारा के टिकट बना दे, इस मुल्ला की यही ईद मना दे। पीछे से एक बुढ़िया बोली, अरे इसकी उम्र तो देख, ये 55-60 साल का, अरे 30-35 साल की, नहीं सॉरी ये नहीं, वो ये 55-60 साल का, अरे 30-35 साल की, अरे लाइन लगा रखी है, अरे मार के छोड़ेगा इसे। बंधु आप हंस रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूं कि कर वो रहे हैं, भर हम रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। कर वो रहे हैं, भर हम रहे हैं, मार वो रहे हैं, मर हम रहे हैं। आखिरकार वो ये सब कब तक करेंगे, वो कब तक मारेंगे, हम कब तक मरेंगे, आओ कॉमन सेंस करें, कुछ तो बैलेंस करें, बजाओ कुछ तो बैलेंस करें, जम के बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।